गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, इसको हम मेकर का सूत्र भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। यह हमने एक पतला लेंस लिया है उत्तल। इस उत्तल लेंस की मोटाई जो है स्मॉल टी मानी गई है। इसमें दो पोल है, एक P1 है और एक P2 है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष जिसको हम कहते हैं। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O हमने माना। अब O से चलने वाली किरण जब यहाँ से जाएगी तो ये माध्यम हो जाएगा वायु, यहाँ पे वायु रखा गया है और ये आपका कांच है तो सघन होगा। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आपको अभिलंब खींचना है, तो जैसे अभिलंब वैसे आप खींच सकते हैं, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण जब यहाँ से आ रही है तो ऐसे ये मुड़ जाएगी, ऐसे मान लेते हैं जैसे ऐसे मुड़ी तो ये नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक गई। और अभिलंब खींचने की जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताए हैं वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे। तो ये हो गया वक्र, यहाँ पे एक अभिलंब खींचा गया और इधर झुक गई है। अब जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो फिर ये अभिलंब से दूर हट जाएगी तो एक नॉर्मल हो जाएगा। तो इस किरण को ऐसे निकलना था तो इस तरह नहीं निकलेगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी तो इस तरह से इसका इमेज बनेगा। ये इमेज हम कहाँ मान लेते हैं, आई पर मिलता है। आइए देखते हैं, इसमें पहले पृष्ठ के द्वारा ये दूसरा पृष्ठ अगर ना होता तब इसका इमेज कहाँ बनता। तो इसका इमेज जो है यहाँ पे बनता, इस किरण पहले के द्वारा जो मुड़ी हुई किरण है उसको आगे बढ़ाने पे आई डैश पर मिलती है। ये हो गया। तो पहले पृष्ठ के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर होगा और दूसरे पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आई पर होगा। दूरी इनकी लिख लेते हैं। पोल P1 से इसकी दूरी मान लेते हैं u और यहीं से इसकी दूरी मान लेते हैं जो पहले पृष्ठ के द्वारा वस्तु की दूरी u और पहले पृष्ठ से जो बनने वाला प्रतिबिंब है आई डैश उसकी दूरी हो जाएगी B' मान लेते हैं। दूसरे पृष्ठ के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो v दूरी पर मान लेते हैं। ये हम दूरी मान लिए, इसकी मोटाई कितनी मान लिए हैं स्मॉल टी। बहुत ध्यान से समझिए, ये डेरिवेशन बड़ा ही सरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे और ध्यान से समझते चलिए इसके पॉइंट को। तो यहाँ हम मान लेते हैं जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ANG। ANG कितना मान लें, यन। तो आपको मालूम होगा इसका एक फार्मूला हम आपको बताए थे, GNA इक्वल टू होता है 1/N। ये आप लिख सकते हैं, ANG की वैल्यू यन है तो GNA की वैल्यू 1/N होगी। कैसे, इसका एक आपको फार्मूला जो बताए थे ANG गुड़े GNA इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्नेल के नियम से 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूले के आधार पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आइए हम लेंस के अपवर्तन का सूत्र जो आपको गोलीय अवतल पृष्ठ और गोलीय उत्तल पृष्ठ का जो फार्मूला हम लोग प्राप्त किए थे पिछले वीडियो में, वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था N/V -1/U N-1/R। ये फार्मूला आया था। आइए इस फार्मूले की सहायता से हम प्राप्त करते हैं। तो पहले जो वक्र पृष्ठ है हमारा उसकी त्रिज्या हम कैपिटल R1 मान लेते हैं और दूसरा जो वक्र पृष्ठ है उसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से जैसे पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अब पहले पृष्ठ के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो पहले पृष्ठ के लिए जो हम ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ ANG बराबर N, या इसी में लिख सकते हैं GNA इक्वल टू
वन बाई एन। पहले पृष्ठ के लिए, पहले या पहले पहले पृष्ठ पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगा देते हैं। अपवर्तन का सूत्र, अभी हमने जस्ट आपको सूत्र बताए हैं, तो पहले एन बाई वी है, तो एन बाई वी का मतलब पहले पृष्ठ के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आई डैश पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन जी, और बटे इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज 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 जो है आई डैश पर बन रहा है, तो आई डैश पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे दूरी कितनी है बी डैश माइनस माइनस क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी हमने क्या मान लिए हैं u, तो u हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए एन जी माइनस वन, पहले पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है आर वन, ये सूत्र हो जाएगा। तो ए एन जी की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ यन बाई बी डैश माइनस वन बाई यू, और यहाँ पे हो जाएगा यन माइनस वन बटे आर वन, ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर एक। ओके, ये समीकरण नंबर एक आया। अब हम इसी तरह से दूसरे पृष्ठ के लिए फार्मूला बनाते हैं, तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, अगर दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ लिखें, आइए देखें, ये देखिए यहाँ से, ये पहले पृष्ठ के लिए हमने समीकरण एक प्राप्त किया, अब हम दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे। यहाँ आइए देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे दूसरे पृष्ठ के लिए पृष्ठ के लिए, तो दूसरा पृष्ठ कौन सा है, दूसरा पृष्ठ इसमें P2 है, ये P2 कोई नाम दे दीजिए चाहे इसको, आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं A B, तो इसको आप कहेंगे A P2 B, ये पृष्ठ है और ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ का जो त्रिज्या होगा वो R2 मानेंगे, कैपिटल R2। तो आइए देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए अगर हम फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर होगा फार्मूला जो है अभी जैसे हमने लिखा था n बाई वी माइनस वन बाई यू एन माइनस वन बटे आर टू, ये आर टू दूसरा पृष्ठ है तो उसकी रेडियस आर टू मानी गई है। यहाँ हम माध्यम पहले लिखेंगे तो जी एन ए लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ भी जी एन ए जी एन ए, यहाँ पे आ जाएगा जी एन ए बाई आर टू, प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है दूसरे के लिए v पर, तो यहाँ v ही रहेगा, और वस्तु कहाँ पे है, तो वस्तु यहाँ से दूसरे पृष्ठ से हम लोग दूरी नाप रहे हैं, तो यहाँ से ये दूरी हमने माना इसके लिए, तो u इसके लिए जो ये दूसरा जो इमेज बन रहा है पहले पृष्ठ का जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु का कार्य करेगा, तो यहाँ पे जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी b डैश माइनस टी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, तो g n a अपान v प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी यहाँ से नापेंगे तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक b डैश है और इसकी मोटाई t है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी b डैश माइनस टी, b डैश माइनस टी, और यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए जी एन ए माइनस वन बटे आर टू, ये हमारा हो गया अपवर्तन का सूत्र जो हमने इस अपवर्तन के लिए हमने फार्मूला बनाया। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, प्रकाश की किरण यहाँ जो है कांच से वायु में जा रही है, तो यहाँ जी एन ए लिखना है, और ये दूसरा पृष्ठ है तो इसकी रेडियस आर टू लिखनी है, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है आई डैश, आई डैश जो इमेज है ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा ना कि ये कार्य करेगा, ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य ये कर रहा है ओ जो हम रखे हैं यहाँ पर, और दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य आई डैश करेगा, अगर दूसरा पृष्ठ आप हटा दीजिए तो इसका इमेज ओ का आई डैश पर ही बनेगा, और जैसे ही ये दूसरा पृष्ठ यहाँ लगाएंगे आई पर बनेगा, इससे स्पष्ट है ये आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इसके लिए हम अपवर्तन का जो गोलीय अपवर्तन का जो फार्मूला है
वो जी एन ए अपान वी और वन अपान वी डैश माइनस टी ये लिखेंगे, क्योंकि हम पोल से दूरी नाप रहे हैं तो यहाँ बी डैश माइनस टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर जी एन ए की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं वन बाई एन, तो वन बाई एन अपान वी और माइनस, अब यहाँ हम टी को लगभग, यहाँ जो टी की वैल्यू है वो बी डैश से बहुत छोटी है, बी डैश से क्या है बहुत छोटी है, तो इस दूरी की तुलना में इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश, और यहाँ पे वन बाई एन माइनस वन बटे आर टू। इसको और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्व करने पर, या तो एन से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो एन से गुणा करेंगे एन एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई वी और यहाँ पे हो जाएगा एन अपान बी डैश और इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस एन बटे आर टू, बटे क्या आ जाएगा आर टू। इसको और सॉल्व करेंगे वन अपान वी माइनस एन अपान वी डैश और इजकल टू एन को आगे लिखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एन माइनस वन बटे आर टू। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया दो, समीकरण नंबर दो हो गया। अब समीकरण एक और दो को हम जोड़ देंगे। अब समीकरण एक और दो को जोड़ने पर देखते हैं हमको मिलता क्या है, समीकरण एक और दो को जोड़ने से मिलेगा क्या, आइए देखते हैं। तो समीकरण एक हमारा जो दिया था, समीकरण एक अभी ज्ञात था एन अपान बी डैश, उसमें आया था एन अपान बी डैश माइनस वन अपान यू इजकल टू एन माइनस वन और बटे आर वन था, यह इक्वेशन आपका क्या था समीकरण नंबर एक। अब हम एक और दो को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे यहाँ से तो देखिए कैसे जुड़ेगा ये, तो दोनों तरफ अगर हम जोड़ते हैं इसमें तो यहाँ पे आएगा एन अपान बी डैश माइनस वन अपान यू और इधर कितना आया है, यहाँ जोड़ेंगे तो वन अपान वी माइनस एन अपान बी डैश और इधर आ जाएगा एन माइनस वन, दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, ये माइनस में है तो यहाँ एन माइनस वन उसमें भी आया है और ये एन माइनस वन कॉमन होगा तो वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू होगा। ये देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा वन अपान वी माइनस वन अपान यू इजकल टू एन माइनस वन और वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। लेंस के फार्मूले से एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, लेंस का जो फार्मूला है वन अपान बी माइनस वन अपान यू इजकल टू, हम लिख सकते हैं इसको फोकस दूरी के रूप में वन बाई एफ, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वन बाई एफ इजकल टू एन माइनस वन और वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, ये आर टू आया। प्यारे बच्चों ये लेंस के मेकर का फार्मूला है, लेंस के मेकर का फार्मूला है या पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का ये फार्मूला है, अपवर्तनांक और फोकस दूरी में ये संबंध है। तो इस फोकस दूरी जो है ये फोकस दूरी एफ है और एन माइनस वन वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पे आपके का एनसीईआरटी में जो है काफ़ी न्यूमेरिकल दिया गया है, उसको कैसे लगाया जाएगा इसी फार्मूले की सहायता से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और ये फोकस दूरी अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, इसके तीन कंडीशन हैं वो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, अपवर्तनांक फोकस दूरी पर कैसे निर्भर करता है और उसके कितने कंडीशन हैं जो ये फोकस दूरी बदल जाती है। थैंक यू, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे।